हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मास्टर सेफ गुड़िया में। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि चल रही है, ये तो सबको पता है। तो पूरे 9 दिन आप अलग अलग तरह के क्या चीज़ खाएं, इसीलिए हमने एक और रेसिपी लेके आया आपके लिए, जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही एनर्जी से भरपूर है और आप खाने को मिस बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमने लाया है सिंघाड़े के आटे की पूरी और चटपटी आलू की सब्जी, और साथ में दही है, साथ में एक स्वीट है जो हमने घर में बनाया है। तो आप ये सारा शुद्धता से हमने घर में बनाया है। इस वीडियो को आप देख के इस तरह के थाली जो है आप घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि का व्रत हैं या किसी भी व्रत को आप रख रहे हैं, तो आप फलाहारी में ये सारे चीज़ आप बना सकते हैं। हमने पहले भी वीडियो डाला था व्रत का, टिक्की का वीडियो, अब हम ये पूरी और सब्जी साथ में दही और स्वीट का वीडियो लेके आए हैं, जिसे आप खा के दिन भर पूरी एनर्जी से भरपूर रहेंगे। या आप अगर रात में बना रहे हैं तो आपको जब भी आप रात में खाएंगे आपको ऐसा टेस्ट लगेगा कि आप भूल नहीं पाएंगे अगर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो। तो चलिए हम बना लेते हैं। तो हमने कढ़ाई रख दिया, सबसे पहले हम सब्जी बनाएंगे। कढ़ाई में हमने जीरे और मिर्चे का तड़का लगा दिया था और हम ये घी में बना रहे हैं, क्योंकि फलाहारी खाना घी में ही बनता है, तो शुद्ध घी में हमने बनाया। तो हमने 2 से 3 टोमेटो लिया था, तो उसको कट कर लिया था। अब उसको उसमें डाल दिए हैं और ऊपर से डाल देंगे हम सेंधा नमक। तो हम सेंधा नमक डाल दिए हैं ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। तो देखिए टमाटर गल चुका, तो इसको हम चम्मच से इसको अच्छे से मिला देंगे, टमाटर को मैश कर देंगे थोड़ा सा। ये देखिए एकदम ग्रेवी तैयार है और इसमें आलू जो है हम बॉयल कर लिए थे, तो इसमें तोड़ तोड़ के डाल देंगे। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे सब्जी आलू की सब्जी की वीडियो पहले से हमने डाला, उसको भी आप देख सकते हैं। इसको भी तो बहुत ही टेस्टी ये सब्जी होती है। अब हमने पानी डाल दिया, जिसमें पानी डाल के ढक दिया। तो देखिए सब्जी एकदम तैयार है। तो जो थोड़ा सा आलू हमको बड़ी दिख रही है उसको हम इससे कट कर देंगे, अच्छे से फोड़ देंगे इसमें, ताकि जो सब्जी है वो अच्छे से जूसी और गाढ़ी गाढ़ी दिखे और टेस्टी लगे। बहुत ही चटपटी सब्जी होती है, बहुत ही इतनी ज़्यादा कि आप किसी भी पराठे या पूरी के साथ खाएंगे बहुत टेस्टी लगेगा। तो इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया मुझे बहुत पसंद है, हम हर सब्जी में हरा धनिया ज़रूर डालते हैं। तो हरा धनिया से सब्जी का टेस्ट और 4 गुना बढ़ जाता है। तो हरा धनिया हमने डाल के थोड़ा सा बॉयल कर लिया इसको, क्योंकि जो टेस्ट है इसमें पहुंच जाता है हरे धनिया का, और टेस्टी सब्जी बन के रेडी हो जाती है। देखिए हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं क्योंकि सब्जी बन गई। अब चलिए हम पूरी बना लेते हैं। पूरी बनाने के लिए हमने सिंघाड़े का 1 बाउल आटा लिया था और बॉयल आलू हमने इसमें मैश कर लिया है। तो अच्छे से बॉयल आलू को मैश करके इसमें मिलाएंगे। तो जो आलू में थोड़ी थोड़ी गांठें रहती हैं उनको अच्छे से मैश कर लें, ताकि जब पूरी बेलें तो आपकी पूरी जो है फटे नहीं, अच्छे से टेस्टी पूरी अच्छे से बेलते समय ना फटे ना कुछ नहीं है, गोल गोल एकदम सर्कल में आपकी पूरी बने। तो देखिए हो गया है। तो ज़्यादा पानी इसमें मिलाना नहीं है, हल्का सा पानी मिला के इस गूंथ लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, नहीं तो ये गीला हो जाता है और उसके बाद जो है पूरी बनती नहीं है। तो देखिए हमने गूंथ लिया अच्छे से। अब इसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। ऊपर से थोड़ा सा घी लगा दिए हैं ताकि ये चिपके नहीं हाथ में। तो देखिए 10 मिनट के लिए हम रख दिए हैं, 10 मिनट हो चुका है। तो चलिए अब हम पूरी बना लेते हैं। तो हम छोटे छोटे बॉल टाइप में पहले बना लिए हैं, फिर अब देखिए पूरी सूखा आटा लगा के बेलेंगे। तो इसको हल्के हाथ से बेलना है, अगर आप इसको ज़्यादा प्रेस करेंगे तो फट जाएगी। बहुत लोग क्या करते हैं, अगर उनसे सर्कल में नहीं बनती है तो वो कोई टिफ़िन या कोई कटोरी लेते हैं, उससे बीच में रख के कट कर लेते हैं, तो एकदम सर्कल में जाती है। लेकिन मुझे ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, सारी पूरियां अच्छे से बन गई। तो सारी पूरियां हमने बेल लिया, अब गैस पे रख दिया हमने कढ़ाई और इसमें डाल देंगे घी। घी हमने शुद्ध घी लिया, अगर आप व्रत में कोई ऑयल या कोई दूसरा घी खाते हैं तो उसको आप इसमें डाल सकते हैं, उससे आप पूरी बना सकते हैं। तो हम घर का शुद्ध घी लिए हैं और उसके बाद हम पूरी अब बनाएंगे। तो घी गर्म हो चुका है, चलिए पूरी तल लेते हैं। पूरियां हमने पहले से बेल रखा था, ये तो आप देखे ही हैं। तो ये देखिए पूरी जो है हमने डाल दिया, ये पक रही है और मीडियम फ्लेम पे रखना, गैस को हाई फ्लेम नहीं करना है। और हमने घी इसलिए थोड़ा सा डाला है क्योंकि जो बाद में घी बच जाता वो जूठा हो जाता है, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा घी डाला, ताकि जो भी हमने
पूरियां बनाना है उतनी ही पूरियां बने, बाकी घी बचे नहीं, जूठा ना हो, ख़राब ना हो। तो ये देखिए सारी पूरियां बहुत अच्छे से फूल जा रही हैं, लाल लाल पूरियां एकदम पका के हम निकाल रहे हैं। तो इसको ऐसे ही तल लेना है। अगर आप जो है पराठा भी बनाना चाहते हैं तो पराठे का मैं वीडियो अगले वीडियो में हम ज़रूर आपको भेजेंगे, अगर आपको आलू के पराठे बनाना है। तो इसी तरह से सारे पूरियां हम तल लेंगे। तो देखिए सारी पूरियां हमने तल लिया है, ये देखिए प्लेट में निकाल के दिखा रहे हैं। तो ये पूरियां हमने जितना खानी है उतनी हमने बना लिया, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब सर्व के लिए हम प्लेट में रख लेते हैं, उसके बाद भोग लगाएंगे माता रानी को, फिर उसके बाद खाएंगे। देखिए हमने दही लिया है और हमने जो सब्जी बनाया वो लिया, हमने एक स्वीट लिया जो हमने घर में बनाया है, और हमने अब देखिए इसमें पूरियां रख दिया। पूरियां एकदम पकी और बहुत ही मुलायम है, इनको खा के आप खाना तो भूल ही जाएंगे। मेरा मतलब है जो नॉर्मल खाना आप खाते हैं डेली उसको भूल जाएंगे, इतना चटपटी सब्जी और पूरी और दही हमने रखा है प्लेट में बनाया है। तो ये व्रत की ये थाली एकदम रेडी है, कोई भी व्रत रख रहे हैं नवरात्रि का या कोई व्रत रख रहे हैं तो उसमें आप ज़रूर बनाइए, पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे, आपको प्रोटीन के साथ साथ विटामिन सब कुछ मिलेगा। तो ये बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि व्रत की ये थाली कैसे लगी। माता रानी का प्रसाद होता है ये, हमने भोग लगा दिया है और प्रसाद अगर आप खाएंगे तो आपको शक्ति मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी, सारा कुछ आपको मिलेगा। और तो देखिए हमने ये थाली बहुत ही जल्दी में रेडी किया, बहुत जल्दी बन जाता है, और शाम को हमने रेडी किया, पूरे दिन हम ऐसे ही फल खा के रहे, रात में हमने सोचा कुछ बना लेते हैं और आपको बना के शेयर कर देते हैं ताकि आप लोग भी बनाइए और खाइए। कोई भी व्रत, कभी भी व्रत आप रख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को देख के आप ये नवरात्रि की व्रत की थाली ज़रूर बना सकते हैं, कभी भी कोई भी व्रत रहें तो ज़रूर बनाइए। हमने बहुत सारा वीडियो अपने चैनल पर डाला है तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें, और हमें सपोर्ट करने के लिए लोगों तक शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय माता दी।